FI. आइए। एक्सक्यूज मी, क्या ये पुलिस स्टेशन है? चकाचक। हम भी यार समझ में नहीं आ रहा हमको भी, तुम जरा देखो गौर से, क्या लगता है तुम्हें, पुलिस स्टेशन है? या तो हाँ। हाँ तो है। तो मेरी FI लिखी है चकाचक। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम is the दादाजी पालम नहीं बालम। ओ किसका बालम, मड़ोसन का या पड़ोसन का? Well, who the बालम is the बालम जो है ना वो मेरा एक पड़ोसी है जिसके खिलाफ मुझे FI लिखवानी है चकाचक। क्यों, क्या करा पड़ोसी ने? थारी बेल बजा के भाग जावे, थारे जो है खूंटे से दूध चुरा के भाग जावे, या पार्किंग में खड़ी कर देवे थारी में अपनी गाड़ी? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया उसने चकाचक। ओ तो रोज वो तेज वॉल्यूम में रात को टीवी देखता है या फिर वो तुम्हारी दीवार पे कीला ठोकता है? अरे ये सब कुछ तो मैं करता हूँ चकाचक। ओहो भाई क्या हो गया, कहीं उसने तुम्हारी साली को आंख तो नहीं मार दी? यो बताइए जरा कितनी हो रही उंगलियां? लो भैया, जिसकी खुद की जो है आंखें बंद होने का टाइम आ गया आदमी का, वो सालियों को आंख मारी है नहीं इसमें घना इंटरेस्टेड हो रहा है। आठ है जी। वेरी गुड, करेक्ट। कैरी ऑन। देखो यार जो भी मामला है वो जरा विस्तार से, किसी हसीना के प्यार से, मेरा मतलब है जरा खुल के मैडम के सामने बोल दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का ढोकला नारियल की चटनी के साथ सर्व हो गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राट खानदानी, इसका काटा ना मांगे पानी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? यार इतनी देर से जो नहीं दिया है वो दे दो यार तुम इंट्रोडक्शन अपना। मैडम वेल व्हाट इज द नेम इज द बड़ौदा में ट्रैफिक जैम इज द, बोल तो रहा है वो, फिर क्यों घुसा रहा है तू बीच में अपने, काफी है इज द इज द। सॉरी मॉम। मैडम मेरा नाम है चंपक चटवाल चकाचक। मैडम बात ये है कि मेरा पड़ोसी उसी बस स्टॉप से बस पकड़ता है जिस बस स्टॉप से मैं बस पकड़ता हूँ चकाचक। ओ ओ ओ ओ, ये तो कितनी गलत बात हो गई यार, सेम बस स्टॉप से बस पकड़ लेते हैं। अरे बस स्टॉप है, तुम्हारे पिताजी का बंगला नहीं है कि कोई उसमें आ नहीं सकता? अरे बस स्टॉप है, कोई भी वहां से बस पकड़ सकता है, मतलब चुप रहे, उसे बोलने दो, चुप रहो दोनों, बोल। तो मैडम बात यह है कि डेली मैं अपने दफ्तर जाने के लिए वहां बस स्टॉप पे जाता हूँ बस पकड़ने के लिए। अब मैं जब बस का इंतजार कर रहा होता हूँ तब मैं एक चौंकने वाली चीज देखता हूँ वहां पे चकाचक। यही कि बस स्टॉप पे बस की जगह रेलगाड़ी आ रही है। कैरी ऑन। मैडम मैं चौंकने वाली बात यह देखता हूं कि मेरा पड़ोसी बालम ठीक वैसा ही शर्ट पहन के वहां पे आता है जैसे शर्ट मेरे पास भी है चकाचक। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, है? एक तरह की कई शर्ट हो सके मार्केट में, लेकिन मैडम हर वो शर्ट उसके पास कैसे हो सकती जो शर्ट मेरे पास भी है चकाचक। सपोज मैडम जैसे कि आज मैंने ये नई शर्ट खरीदी और ये पहन के मैं दफ्तर चला गया, अब ठीक 3-4 दिन के बाद ठीक ऐसी शर्ट वो पहने हुए नजर आएगा चकाचक। ओ तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें शक है कि वो तुम्हारी ही शर्ट पहनता है? वेल, शक के बारे में तो थोड़ा सा मैं शक्की हूँ, मैंने शेकी हूँ, लेकिन मैंने गौर किया है, मैंने गौर किया है कि देखिए मैडम क्या है कि मैं कुंवारा हूँ, बैचलर हूँ, तो ये जो कपड़े वगैरह धोना प्रेस करना ये सब कुछ काम मैं नहीं किया करता है, मैं एक धोबी को दे देता हूँ मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए और धोने के लिए, और हाँ उस धोबी की धोबन वो कपड़े लेने आती है चकाचक। ओ चकाचक धोबन आती है।
पड़ोसी को बुलवाओ सबसे पहले। आइए आइए। जी नमस्ते, मैं चंपक का पड़ोसी हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया नींबू निचोड़ के। भाई नींबू की तरह तो तैने निचोड़ेंगे हम अब थाने में है? लेकिन मेरा कसूर क्या है नींबू निचोड़ के? कसूर भी बताएंगे, तफ्तीश भी होगी और सजा भी मिलेगी। वेल डूड, इससे पहले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द यू टोल्ड योर इंट्रोडक्शन इज द। हाँ जी मैडम, देखिए मेरा नाम है नीलू, नीलू नारंग बालम नींबू निचोड़। भैया ऐसा है, थारे पड़ोसी चंपक चटुवाल ने थारे खिलाफ FIR लिखाई है कि तू जो है धोबी से मांग के जो है किराए पे लेके उसके कपड़े पहन रहा है। अरे मैडम ये भी कोई बात हुई? अब देखिए मैडम, एक तरह की हजारों शर्ट्स बनती है और उन्हें कई लोग खरीदते हैं मैडम नींबू निचोड़ के हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि चंपक के पास जो भी शर्ट है, जैसी भी शर्ट है, वो सेम टू सेम शर्ट तुम्हारे पास भी है? अब देखिए दरअसल बात यह है कि मेरी और चंपक की पसंद जो है वो लगभग एक जैसी, मतलब समझ लीजिए कि एक ही है नींबू निचोड़ के, इसलिए। अच्छी है, वो कैसे? जी वो ऐसे कि वो बांदा रोड वाली जूली है ना, उसे हम दोनों पसंद करते हैं नींबू निचोड़ के, और उसके भाई से हम दोनों पिट चुके हैं नींबू निचोड़ के, और वो जो राम टहलू हलवाई है उसके समोसे हम दोनों को पसंद है। बस मैडम इसी तरह कपड़ों में भी हमारी पसंद लगभग एक जैसी है, इसलिए हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं नींबू निचोड़ के, बस। वैसे मैडम शायद बात गलत भी नहीं है, हो सकता है कि उस चंपक को गलत फहमी हुई हो। नहीं मैडम, मेरा भी एक दोस्त हुआ करता था, वो एकदम सेम टू सेम मेरे जैसे कपड़े पहनता था मैडम। अब चक्कर क्या है कि मैं इतना वेल ड्रेस्ड आदमी था ना मैडम, कॉपी करता होगा मुझे, तो होता है ऐसे लोग होते हैं। हाँ मैडम मैं आपको बताऊं, दरअसल उसे गलत फहमी ही हुई है मैडम। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं अपने खुद के पैसों से कपड़े खरीदता हूं मैडम नींबू निचोड़ के। अब ऐसे में मैंने तो चंपक पे इल्जाम नहीं लगाया ना कि वो मेरे कपड़े पहन रहा है नींबू निचोड़ के, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बाई चांस की बात है, संजोग की बात है नींबू निचोड़ के, बस। ओके ठीक है भाई, आप आए चौकी में सरंगीन बन के, कलरफुल ऑरेंज नारंगी। जी ये मेरे अपने पैसों से है, होपफुली। जाओ बाय। जी मैडम थैंक यू, नींबू निचोड़ के। व्हाट ए कॉन्फिडेंस कोइंसिडेंस या दिस वन। जरा वो धोबी धोबन ने बुलवाओ, उनसे भी जरा पूछताछ करें। ओके तेरी आवाज को क्या हुआ है? बरसात में भीग गया जी बाहर, इसलिए थोड़ा इन्फेक्शन सब। चल बाहर जाके खड़ा रहे। बरसात में हाँ और बीमार हो जाऊंगा। नहीं ठीक हो जाएगा, लोहा लोहे को काटा करे। नाच एकदम रवीना टंडन मन के, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। चलते मुसाफिर मोहरिया वाली मुनिया, लगा दे गाड़ी लगाओ। दादा जी उतरो। Mom, she is the dhobi is the, he is the dhoban is the. Oh madam, हम का काहे बुलाया? झाग घोल के आई हूँ। हाँ मैडम, आखिर हम लोगों ने ऐसा कहाँ किया है जो आपने हमें थाने में बुला लिया है? दो जोड़ी कुर्ता, दो जोड़ी सलवार। क्वक 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 क्वक। चंपक चटवाल, कौन है जानते हो? चंपक भैया। हम लोग तो उनके कपड़ा धोते हैं, दो जोड़ी पेटी कोट, दो जोड़ी ब्लाउज। क्या वो चंपक ब्लाउज और पेटी कोट पहनता है? मैडम ये, अरे वो ब्लाउज पेटी कोट ना ही पहनते है, ये तो हमार मरद है ना। ओ माई गॉड, ये पहनता है? नहीं नहीं ई नहीं, ये तो हमारे मरद का बोलने का स्टाइल है। क्यों जी भैया, ऐसा सुनने में आया है कि तुम लोगों के कपड़े जो है दूसरों को किराए पे देते हो पहनने के लिए। ना ना मैडम, क्या बात कर रही हैं? दो जोड़ी रुमाल, दो जोड़ी मोजे। मैडम हम तो कपड़ा धोने का, उसमें इस्त्री करने का काम करते हैं, दो जोड़ी कच्छा, दो जोड़ी बनियान। देखो यार, वो क्या है कि वो चंपक चटवाल ने FIR लिखवाई है कि वो जो भी कपड़े तुम्हें धोने के लिए देता है, दो तीन दिन के बाद उनका पड़ोसी वही कपड़े पहने हुए दिखाई देता है। ना मैडम, गलत इल्जाम है हम पर, दो जोड़ी बनियान, दो जोड़ी कुर्ता।
मैडम हम अपनी मेहरारू की कसम खा के कहते हैं, ऐसा नीच काम हम नहीं करते। दो जोड़ी चोली, दो जोड़ी लहंगा। हाँ मैडम, हम भी हमार मर्द की कसम खा के बोल रहे हैं कि हम किसी को किराए पे कपड़ा नहीं देते। हाँ, जा गोल के आए हैं। ठीक, चलिए जाओ घुमा लो अपनी साइकिल। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मैडम आपने उन दोनों को जाने क्यों दिया? देख भाई चंपा, कैसा है कि अगर तो यो थारे कपड़े जो है किराए पे दे भी रहे हो किसी को तो ईब ना देंगे, क्योंकि इन्हें भी पता लग गया है कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, केस बन गया है, थाने में आई गए हैं दोनों। निश्चिंत हो गए, जा ईब ना होगा कुछ, जा केस सॉल्व। चकाचक, थैंक यू वेरी मच मैडम। अचानक? हाँ, इंस्पेक्टर बजरंग पांडे से पप्पू पंछी के पकड़ने के सिलसिले में कुछ बातें करनी है। कहाँ है वो? कैबिन में ही है सर, बाहर आते ही कहें। हाय हाय। ओके, एक्सक्यूज मी सर, अब आपके घुटनों का दर्द कैसा है सर? ये क्या बदतमीजी है? मैं यहाँ पप्पू पंछी को पकड़ने की बात करने आया था और तुमने मुझे पकड़ लिया। क्या ये? सर हम अपने काम को लेकर ना बड़े सीरियस हो जाते, तो हम इमेजिन कर रहे थे जब पप्पू पंछी हमारे सामने आएगा हम उसे कैसे हथकड़ी पहनाएंगे, और एक्साइटमेंट में हमने आपको पहना दिया। हम कोई बात नहीं, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, इसको खोलो अभी, खोलो इसको। हाँ सर, व्हाई नॉट, खोलते हैं ना अभी, खोलते हैं ना अभी इसको। खोलने में क्या है अभी, जल्दी करो। क्या हुआ? एक मिनट सर, आई थिंक चाबी नीचे गिर गई। छोटी सी प्रॉब्लम है, चाबी खो गई। चाबी खो गई? अरे तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं? सर बाहर एक लोहार बैठता है, लगता है तोड़वाना पड़ेगा, तो चले बाहर। क्या तोड़वाना पड़ेगा? मेरा हाथ तोड़वाना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, हम इतने भी कठोर नहीं है, ये हथकड़ी तोड़वाएंगे। बस दो घंटों के लिए आपको वो ठाकुर बन के रहना पड़ेगा और काम हो जाएगा। चलिए सर, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, फिर हम बाद में मिलते हैं। ओके, काम करिए, आप भी चले जाएंगे ना, आप बाहर सामने चले जाइए, हम अपना जरा जरूरी काम करते हैं, पप्पू पंछी के बारे में सोचते जाइए। निकले सर, जाइए ना वरना टाइम। पप्पू पंछी के बारे में सोचते, हम सोचते हैं उसके बारे में, जाइए। सर आपका डंडा। थैंक यू। क्या है? ठीक से बात कर, तू भी ठीक से बात कर, माइंड और लैंग्वेज है, तेरी आवाज तो निकल नहीं रही है। मेरी आवाज छोड़, डोंट गेट पर्सनली। मैं तेरी बहू नहीं हूं, मैं कहां जा रहा है, क्यों कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे अपनी आवाज। ओ मेरे दोस्त है, अपना दोस्त है, मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई। अब इतना भी लाड़, ए गोंदर चुप कर, इतना भी लाड़ में होने की जरूरत ना है कि गोद में मिलो एक दूसरे की। कमिश्नर साहब ने 406 नंबर वाली फाइल मंगाई है, निकाल के दे। मन ने बस थोड़ी धूल जम गई थी मैडम, ये मैडम। क्या हो गया यार, तुम फिर आ गए? आज फिर से मैंने मेरे पड़ोसी को मेरी शर्ट पहने हुए देखा, वो भी चकाचक। इसका मतलब वो पड़ोसी, वो धोबी और धोबन डेफिनेटली तीनों मिले हुए हैं। राइट मैडम। मैडम ये शर्ट पहन से मुझे याद आया कि कल हमारे बिल्डिंग में मिस्टर शर्मा है ना, उनकी बेटी की शादी है, वो भी चकाचक,
और मैडम ये गोल्डन शर्ट शानदार, वो मैं वहां पे पहन के जाने वाला हूँ, वो भी चक्का चक। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ प्रेस में देने के लिए दुबी के पास। लेकिन मैडम इस बारे ना मेरा शक बिल्कुल शेकी नहीं है, आई एम कंफर्म कि ये शर्ट है ना मेरा पड़ोसी पहन के वहां पे आएगा और धोबी मुझे बहाना बता देगा कि सॉरी आपकी शर्ट अभी तक रेडी नहीं है, वो भी चकाचक। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अंटीला शंटीला घंटू घंटीला एडिया आ रहा है। तो शर्मा जी की बेटी का बच्चा होगा फिर देगा तू एडिया? जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। वेल गुलगुले, यू आर एक्स्ट्रा डिक्शनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। या दिस वन। लाओ तुम्हारी शर्ट देखें। नाइस शर्ट, नाइस बटन्स हैं। मैडम आपने ये क्या किया, मेरी शर्ट का बटन तोड़ दिया आपने, वो भी चकाचक। भाई देख यो छोटा सा बटन कैसा बड़ा खेल खेलता है। अरे 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 दादाजी आप मुझे इस तरह से क्यों पकड़ के लाए नींबू निचोड़ के? Well, dudes, hold is the mom will told is the mom. अरे मैडम देख, मैडम मैडम देखिए ये दादाजी मुझे यहाँ खामो खा पकड़ के ले आए नींबू निचोड़ के। खामो खा लाखों की चोरी करे तू, हम पकड़ ले तो खामो खा है, यहाँ आकर सीना चोरी करे तू, हम कुछ कहें तो खामो खा चोरी। अरे अरे आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। अरे शर्मा जी की बेटी की शादी पे गए थे ना तुम, हाँ वहां पे लाखों के जेवर की चोरी हुई और वो चोरी की है तुमने। इस बात का क्या सबूत है? सबूत ये है कि भैया चोर जिसने चोरी करी है उसने गोल्डन शर्ट पहनी थी और तैने भी गोल्डन शर्ट पहनी है। अरे 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 ये तो कोई सबूत नहीं है, इस तरह की गोल्डन शर्ट तो कईयों के पास होगी नींबू निचोड़ के। हाँ कितनों के पास होगी, लेकिन शादी में पहन के तो तुम ही गए थे ना। एक मिनट, इस बात का क्या सबूत है कि चोरी उसी ने की है जिसने गोल्डन कलर की शर्ट पहन रखी थी नींबू निचोड़ के? चलो भाई सबूत मांग रहा है तो देते हैं सबूत। भाई ऐसा है, मौका है वारदात पे, ज्वेलरी बॉक्स जहां से ज्वेलरी चोरी हुई है एक बटन मिला है। This is the button. Everybody, see. भाई ऐसा है, मौका है वारदात पे, ज्वेलरी बॉक्स जहां से ज्वेलरी चोरी हुई है एक बटन मिला है। This is the button. Everybody, see. यो बटन उस आदमी की शर्ट का यानी कि आस्तीन का बटन है जिसने चोरी करी। लाओ भाई दिखाएं जरा आप। अरे 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 मैडम, ओहो यो देख लीजिए मैचिंग हो गया भैया, यो तो बटन इसी शर्ट का है। अरे अरे अरे, अरे। यो है वो आस्तीन, कहाँ है इसका बटन, कहाँ है? यो है इसका बटन और तू है चोर। मैडम बस मैडम अब तो केस आई नहीं और मेरे दांतों की तरह साफ है मैडम, ये चोर है, अब ये 10 साल के लिए जाएगा अंदर। वेल यू आर द थीफ इज द जेल में होती है बहुत तकलीफ इज द। अरे मैडम मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैडम ये चोरी मैंने नहीं की है नींबू निचोड़ के मैडम। हाँ और ये शर्ट भी मेरी नहीं है मैडम, ये तो मेरे उस पड़ोसी की शर्ट है मैडम जिसकी शर्ट मैं किराए में लेके धोबी से पहनता हूँ मैडम। हाँ मैडम मुझे माफ कर दीजिए, ये चोरी मैंने नहीं किया नींबू निचोड़ के, प्लीज मैडम प्लीज। वाह भाई थारी यो जो आदत है ना, यो जो हैबिट शौक किराए पे ले लेकर दूसरों के कपड़े पहनना, आज तैने जेल के कपड़े पहनने की खगार पर लाकर खड़ा कर दिया इस आदत ने। यस। और थारे वो एकदम सप्लायर्स कपड़ों के धोबी और धोबन उनको भी अरेस्ट कर लिया है। लाओ आया।
मैडम मैडम मैं कसम खाता हूँ मैडम, ये देखिए कान पकड़ के कसम खाता हूँ, आज के बाद मैडम मैं कभी भी किराए में कपड़े लेके नहीं पहनूंगा बल्कि खुद खरीद के कपड़े पहनूंगा। नींबू निचोड़ के मैडम माफ कर दीजिए। मैडम मैडम हम भी कसम खाते हैं कि आज के बाद हम अपने कपड़े ना किसी को किराए पे नहीं देंगे। दो जोड़ी अंगोछा, दो जोड़ी दुपट्टा। मैडम हमका भी माफ कर दो, झाग घोल के आई हूँ। ठीक है, तुम लोगों की पहली और आखिरी गलती मान के मैं वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। क्यों भाई चंपक, सही है इंसाफ यो? माफ कर दीजिए मैडम, आखिर में ये मेरा ही पड़ोसी है, ये मेरा ही धोबी है और ये धोबन भी मेरी ही है। क्या मतलब कि माफ कर दिया मैंने तुम लोगों को? चलो निकलो, केस डिसमिस। थैंक यू। अच्छा दादाजी, चल प्लेजेंट्रीज। वाओ धोबन वाज वेरी ब्यूटीफुल, कम्स इन एंड भोली इज द गुलगुले। निकाल बंदूक और इस बुढ़ाऊ ने लगा दे गोली इज द बॉस।